हिसार के मिर्जापुर रोड पर सीएम फ्लाइंग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में भी लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में नकली घी बरामद भी किया है। जानकारी के अनुसार सीएम उड़न दस्ते के सब इंस्पेक्टर रणधीर, एएसआई राजवीर सिंह, एएसआई रामफल, एएसआई सुरेंद्र, अनिल, हेड कांस्टेबल धर्मवीर व डॉक्टर अरविंद की टीम ने मिर्जापुर रोड पर एक फैक्ट्री में छापा मारा। सीएम उड़न दस्ते के सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह ने बताया कि आज मिर्जापुर रोड पर घी की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है और घी की फैक्ट्री से मधुसूद लगा लेबल का 1100 लीटर नकली देसी घी, दीप गोपाल लगा स्टिकर का 468 लीटर व 75 लीटर अलग से किंग लेबल लगा हुआ नकली देसी घी बरामद किया गया। टोटल 1643 लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया है। वहीं डॉक्टर अरविंद की टीम ने मौके पर नकली घी के सैंपल भी लिए हैं जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस के अनुसार कृष्ण कुमार रवि के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस छानबीन जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम लगातार हरियाणा प्रदेश में छापे मारकर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है तथा नकली सामान बनाने वाले लोगों को पकड़ा है। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं और काफी मात्रा में नकली माल बरामद किया है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। और हमने वो सूचना के आधार पर रिपोर्ट मिली है और रिपोर्ट के आधार पर हमने यहाँ कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान थ्री ब्रांड्स के घी मिले हैं जिसके अंदर गोपाल, मधुसूद और कन्हैया और 1643 के जी लीटर लगभग 1650 क्विंटल घी मिले और आगामी अभी कार्रवाई जारी है। डॉक्टर साहब से सैंपल ले गए हैं, वो सैंपल जो भेजे जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद में जो भी कार्रवाई हुई है कानूनी कार्रवाई। मैं अपनी टीम के साथ ग्रुप सूचना मिलने पर यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ हमने देखा कि रिफाइंड तेल और डालडा घी और एक केमिकल के मिश्रण से देसी घी बना रहे हैं। यहाँ 1650 क्विंटल करीब देसी घी रिकवर किया है जिसका डॉक्टर साहब से सैंपल करवा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे साथ है और सदर थाने का ये भी हमारे साथ है। हम इसमें सैंपल की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से इन पर जुर्माना होगा। बाकी इसके घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करते इसके लिए अलग से पर्चा देंगे। सिलेंडर तो ही है लेकिन वो घरेलू सिलेंडरों को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें अभी फिलहाल कोई गिरफ्तार नहीं, मालिक यहाँ से फरार हो चुके हैं, यहाँ नहीं है, मजदूर है, इनसे हम जानकारी लेंगे मालिक के बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.